चलिए ठीक है। अलजबरा का गुणा, इससे पहले हम बता चुके हैं अलजबरा का जोड़, अलजबरा का यानी बीज गणित का जोड़ और बीज गणित का ये अलजबरा जो होता है, यानी हम अलजबरा पढ़ते हैं इसका मतलब क्या, दूसरा विषय पढ़ते हैं, मैथ ही पढ़ते हैं, अलजबरा पढ़ रहे हैं इसका मतलब मैथ पढ़ रहे हैं, लेकिन मैथ का या अलजबरा क्या है, ब्रांच है, एक भाग है, एक शाखा है, ठीक है। मैथ में बहुत तरह के शाखाएं हैं, अलग अलग उनका अध्ययन करने के लिए अलग अलग शाखाओं में क्या किया गया है, बांट दिया गया है, ठीक है। इक्वेशन के रूप में, समीकरण के रूप में, ठीक है, अंकगणित के रूप में, बीज गणित के रूप में, सांख्यिकी के रूप में, त्रिकोणमिति के रूप में, क्षेत्रमिति के रूप में, ज्यामिति के रूप में, ठीक है। अगर पहले आप त्रिभुज पढ़ रहे थे कि त्रिभुज में सर्वांशम समरूप ये सब पढ़ रहे थे ना, कोण, तो समझिए कि आप क्या पढ़ रहे थे, मैथी पढ़ रहे थे, क्या क्या पढ़ रहे थे, ज्यामिति पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, ठीक है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं, मैथी पढ़ रहे हैं, लेकिन मैथ में कौन सा, बीज गणित, अलजबरा। अलजबरा को हिंदी में कहा जाता है ना, यह उर्दू शब्द अलजबरे से बना हुआ है। अलजबरा जो है उर्दू या अरबी कैसे तो होता है ना भाषा, उसी शब्द से मिलकर बना हुआ है, अलजबर ए, अल जबर ए, उसी को बोलते हैं अलजबरा। अलजबरा का गुणा सीखना है, अलजबरा का, क्योंकि जोड़ घटाव हम बता चुके हैं, जोड़ घटाव कि कैसे जोड़ा जाता है, कैसे अलजबरा का जोड़ घटाव कब होता है, जब समान पद हो, तब समान पद हो, यानी जब पद समान हो, एक ही जात के हो, तब अलजबरा का जोड़ और घटाव लागू होता है। जब समान पद हो और चिन्ह एक जैसा हो तो जोड़ते हैं, और जब समान पद हो चिन्ह उल्टा हो तो घटा। निकालने का मतलब कि अलजबरा का जोड़ और घटाव समान पदों के साथ होता है, समान पदों के, जैसे एक्स है तो एक्स के साथ ही जुटेगा, चाहे एक्स के साथ ही घटेगा, वाई है तो वाई के साथ ही जुटेगा, वाई के साथ ही घटेगा, लेकिन गुणा में ऐसा, गुणा में ऐसा नहीं है। गुणा जो होता है असमान पदों के साथ भी होता है, समान पदों के साथ भी होता है। गुणा जो होता है समान पदों में भी होता है, असमान पदों में भी होता है। समान पद का मतलब जैसे एक्स है, एक्स है, इसमें भी गुणा हो सकता है, असमान का मतलब एक्स है, एक वाई है, इसमें भी गुणा हो सकता है, जबकि जोड़ घटाव में ऐसा नहीं था। लेकिन इसमें क्या है कि असमान जब पद है तो भी गुणा हो जाएगा, असमान पद है तो भी गुणा हो जाएगा, लेकिन अलजबरा के जोड़ घटाव में जब एक जात के एक पद हो, समान पद हो, तभी हम उसको जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, अगर नहीं है तो उनको ज्यों कहते हो अलग अलग चिन्ह द्वारा क्या किया जाएगा, लिख दिया जाएगा, लेकिन जोड़ेंगे नहीं, घटाएंगे नहीं। जैसे मान लो एक्स है, इसमें वाई जोड़ना है, अब इतना ही होगा, अब इससे आगे नहीं होगा, एक्स प्लस वाई ही होगा, क्योंकि ये अलग जात है, ये यानी ये अलग हो गया, ये अलग है, समान पद थोड़े हुए और समान हुए, लेकिन यही अगर एक्स प्लस एक्स हो तो जुट जाएगा, कितना होगा बोलो, एक्स में एक्स जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ का अंक जोड़ा जाता है ना, एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी, क्या हो जाएगा, यही बात हम अलजबरा के जोड़ और घटाव में सिखाए थे। लेकिन अलजबरा का गुणा जो होता है जोड़ और घटाव से अलग होता है, इसमें समान पद में भी गुणा होगा और समान पद में भी गुणा होगा, ठीक है। तो जैसे ध्यान दीजिए, मान लीजिए ए गुणा ए गुणा ए गुणा ए गुणा ए, इस तरह से दिया हो, कहे कि इसका गुणा कीजिए कितना होगा, इसका गुणा कीजिए, ठीक है, गुणा करके बतलाना है कि इसका मान कितना होगा। तो जब समान पद होते हैं तो अलजबरा का जो गुणा होता है घातांक के नियम पर चला जाता है, घातांक के, तो घातांक का नियम हम पढ़ाए होंगे कि जब बेस बराबर हो, जब बेस बराबर हो करने का मतलब कि नीचे का जो पद है बराबर हो, जैसे ए ए ए ए ए है, नीचे का सब बराबर ही है,
अब पावर ऊपर का गुणा में क्या होता है, जोड़ दिया जाता है, ठीक है, गुणा में पावर को जोड़ा जाता है, जबकि जोड़ घटा में पीछे के अंक को जोड़ा जाता था, लेकिन गुणा में क्या जोड़ा जाता है, पावर जोड़ा जाता है, गुणा में पावर जोड़ा जाता है। तो जब नीचे के जो पद हो समान हो, तो देखो यहाँ पावर एक है, यहाँ पावर कुछ नहीं है, तो क्या माना जाता है, कोई भी चर राशि के ऊपर अगर कोई पावर नहीं दिया हुआ है तो क्या माना जाता है, एक यहाँ 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 है, देखो तो कितना हो गया पावर, देखो तो कितना हो गया, पांच हो गया, देखो एक एक दो एक तीन एक चार एक, इसका मतलब कि गुणा करने पर इसका मान होगा ए का पावर, इसको बोला जाता है ए का पावर ना कि पांच ए होगा, बोला जाता है ए का पावर पांच, हाँ हिंदी में बोल सकते हैं ए का घात पांच, हिंदी में बोल सकते हैं ए का घात चाहे ए का पावर, यानी कि जब समान हो नीचे का बेस तो पावर जोड़ते हैं, जैसे मान लो एक्स गुणा एक्स गुणा एक्स, ठीक है, अगर हम एक्स में एक्स में एक्स में गुणा कर तो नौ की न की तीन एक्स होगा, जबकि जोड़ में तीन एक्स हो जाएगा, जोड़ में लेकिन गुणा में जानते हो पावर को जोड़ा जाता है, गुणा में पावर को जोड़ा जाता है, पावर जोड़ा जाता है, बताओ तो यहाँ एक है, यहाँ एक है, यहाँ एक है, एक्स के पावर में, ठीक है, जैसे मान लो दे देगा वाई गुणे वाई और गुणे एक्स गुणे एक्स गुणे एक्स, बताओ ये दोनों तो बराबर है, ये तीनों बराबर है, तो जब वाई में वाई से गुणा होगा तो यहाँ भी पावर एक है, यहाँ भी पावर एक है, गुणा होगा तो पावर जोड़ देंगे वाई का पावर, अब देखो एक्स में एक्स में एक्स में गुणा करेंगे, यहाँ पावर एक, यहाँ पावर एक, यहाँ पावर एक, एक्स का पावर गुणा हो गया वाई के पावर टू और एक्स के पावर, ठीक है, ध्यान से देखो पावर को जोड़ा जा रहा है, पावर को जोड़ा जा रहा है यहाँ से, जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है ए के पावर दू गुणे ए के पावर तीन, तो तुम लोगों का नियम ये कहता है कि सर ए का पावर छ होना चाहिए, ठीक है, तुम लोगों का नियम कहता है कि ए का पावर, लेकिन वैसा नहीं होगा, ठीक है, वैसा नहीं होगा, क्या होगा इसको जोड़ेंगे, यानी क्या होगा ए का पावर पांच, तीन और दो तो तीन और दो, तीन और दो, तीन और दो पांच, गुणा होगा लेकिन पावर को जोड़ा जाता है, गुणा ही हो रहा है लेकिन तुमको लग रहा है कि इस बार पावर केवल जोड़ रहा है, गुणा का ही नियम है पावर जुड़ जाता है, गुणा में पावर, गुणा में पावर जुड़ जाता है, अगर मान लो दे दे एक्स के पावर तीन और गुणे एक्स के पावर चार, तो जानते हो क्या होगा, क्या होगा, हाँ गुणा में एक्स के पावर सात लिखेंगे, ठीक है, जैसे मान लो दे दे टू एक्स वाई और गुणा दे दे तीन एक्स वाई, ठीक है, देखो भाई ये तो अंक है तो अंक का गुणा अंक के साथ तो होगा, तो बताओ दो का पारा तीन बार पढ़ोगे, चलो हो गया, अंक का गुणा अंक जैसा होगा, अंक का गुणा अंक जैसा ही, लेकिन अक्षर का गुणा हो अक्षर के जैसा होगा, यानी उसमें पावर जोड़ा जाएगा, तो बताओ यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है, बताओ तीनों के नियम से क्या होगा, बोलो कितना होना चाहिए, एक्स के पावर है दो और वाई के पावर दो ना, उधर तो सब लग रहा था कि मुंह में छेदे नहीं ना, जब इधर से बोली तब वो लोग का जान में जान आया कि तू बोल दे, अरे वो कहाँ बैठा है, कल उसको बैठाए थे यहाँ बैठ गया वहां बात करने के लिए, यहाँ एक्स का पावर एक नहीं है, बताओ यहाँ क्या है पावर, यहाँ क्या है, तो गुणा होगा तो एक्स के पावर टू नहीं होगा, एक में एक जोड़ेंगे तो, यहाँ वाई का पावर एक है, यहाँ वाई का पावर एक है, तो गुणा होगा तो क्या होगा, तो कहीं नहीं सब बता रहा था, जैसे माइनस तीन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर,
-4 एक्स क्यूब वाई के पावर 4 इसका गुणा करना है। देखो कैसे गुणा होगा। सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है हमको, आया आओ तो पहले चिन्ह का गुणा करेंगे। तो माइनस में अगर माइनस से गुणा होगा तो माइनस में अगर माइनस से गुणा होगा तो प्लस, माइनस में अगर माइनस से गुणा होगा तो माइनस में अगर माइनस से गुणा होगा तो प्लस। तो पहले चिन्ह का गुणा कर दिए, चिन्ह है तो चिन्ह पर ध्यान देंगे, नहीं है तो नहीं ध्यान देंगे। अब अंक आ रहा है 3 और यहाँ आ रहा है, तो बताइए क्या होगा। चलिए एकदम ठीक, यहाँ x का पावर क्या है, यहाँ x का पावर क्या होगा, यहाँ y का पावर 2, यहाँ y का पावर 4, न कि 4 दुनिया ऐड कर देना, पावर गुणा नहीं होगा ना यहाँ पर, यहाँ पर पावर क्या होगा, जो पावर कब गुणा होगा उसका नियम अलग है। बताइए इतनी बातें समझ में आ रही है जी। हाँ, जैसे 4 बटा में 3 दे दे ए बी सी और गुणे 1 बटा में 2 माइनस मानो दे दे, माइनस 1 बटा में 2 ए स्क्वायर बी क्यू सी के पावर 4, अब इसका गुणा करना है। तो बताओ यहाँ पर चिन्ह क्या है, देखो यहाँ पर शुरू में प्लस देना उचित, हम इसको ऐसे ना केवल समझने के लिए बताए ना, क्योंकि प्लस तो यहाँ ऑलरेडी पहले से ही है, नहीं दे रहे हैं चिन्ह, इसका मतलब कि यहाँ पर क्या है, प्लस तो है। यहाँ पर चिन्ह किस चीज का, कोई पूछेगा कि यहाँ पर 12 के पहले किस चीज का चिन्ह है, प्लस प्लस 2 या 9 2, कोई अंतर पड़ने वाला शुरुआत में, केवल ये शुरुआत के लिए होता है। हाँ, अगर इसके आगे अगर देना होगा तब देना जरूरी। तो देखो यहाँ माइनस का चिन्ह है यहाँ, तो प्लस में गुणा होगा माइनस में, तो माइनस का चिन्ह होगा, माइनस का चिन्ह होगा। और बटा पर का गुणा पढ़े हैं कि ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे। बताओ 4 में 1 से गुणा होगा और 3 में 2 से गुणा होगा, ऐसे ही होता है, भिन्न का गुणा ऐसे ही होता है, अंश का गुणा अंश से, हर का गुणा अंश का गुणा अंश से, हर का गुणा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर ए का पावर 1 है, यहाँ पर ए का पावर 2 है, गुणा करेंगे तो ए का पावर 3, अब बी का पावर 1 है, बी का पावर 3 है, गुणा होगा तो बी के पावर 4, यहाँ पर सी का पावर 1 है, यहाँ पर सी का पावर 4 है, गुणा होगा तो सी का पावर, ये अंक कटेगा तो कटाया भी जा सकता है, जैसे 2 दूनी 4 2 3, यानी वास्तव में इसका आंसर होगा -2 बटा ए का पावर 3 बी का पावर 4 सी का पावर, ठीक है। इस तरह से गुणा हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से गुणा हम बना सकते हैं, ठीक है। गुणा होगा अगर एक जात का है तो भाई पावर जोड़ेंगे, अलग अलग जात का है तो जीएम करते हैं। जैसे मान लो अलग अलग जात के, कहने का मतलब कि अगर ए गुणा बी गुणा सी हो, तो अगर ए में बी में सी से गुणा, तो बताओ ये अलग है बी अलग है सी, ये नहीं कि पावर अब जोड़ेंगे, जे हम कहते हैं लिख देंगे ऐसे ए बी। अगर एक्स में हम गुणा करेंगे वाई से, ए भी अलग जाता है ये भी अलग जाता है, तो जे हम का एक्स वाई, कह दे दे एक्स के पावर 3 है गुणे वाई के पावर 4, तो जानते हो क्या होगा, क्या होगा, एक्स के पावर 3 वाई के पावर, बस इतना ही होगा, ठीक है। बस गुणा के रूप में इतना ही लिख दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि चढ़ती है 12 चाहे 4 3 7 हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक ना। जैसे मान लो दे दे 2x और गुणे दे दे 3y, तो देखो अंक का गुणा तो होगा 3 दुनी के, लेकिन x में y से गुणा होगा तो एक्स वाई ही लिखेंगे, x में y से गुणा होगा तो, किसी को दिक्कत है, मान लो 2ab में अगर गुणा करना हो 4ab से, ठीक है। तो देखो 2 चौके ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, बी के पावर, इस तरह से ये गुणा हम क्या करते हैं, करते हैं।
ठीक है। ये तो बिल्कुल क्या था, सिंपल था, ये बिल्कुल क्या था, सिंपल था, सरल गुणा था। अब आपको मान लीजिए ऐसा गुणा दिया जाए, अब आपको ऐसा गुणा मिल जाए, दे दे 3x इनटू 2x माइनस 3y, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब कि 3x जो है केवल इसी में गुणा नहीं होगा, 3x से इसमें भी गुणा होगा, 3x से इसमें भी गुणा होगा, दोनों में गुणा होगा, ठीक है। 3x से दोनों में गुणा होगा, क्योंकि भाई ये दोनों एक ही साथ हैं, ये दोनों जो है एक ही साथ है, यहाँ तो पोस्ट में बंद है, बाहर यहाँ 3x है, तो जब हम पोस्ट हटाएंगे ये 3x इसमें भी गुणा होगा 3x, समझ में आ रहा है ना। देखो कैसे हम पहले लिखेंगे, पहले लिखेंगे 3x गुणा देखे, क्योंकि यहाँ पर गुणा का चिन्ह माना जाता है, कुछ नहीं चिन्ह है, पोस्ट के और अंक के बीच में कोई भी चिन्ह है तो गुणा मान के चला जाता है ना, इंटू का चिन्ह छिपा हुआ है गुणा का, इसलिए गुणा यहाँ पर आ गया, ठीक। अब यहाँ माइनस का चिन्ह है तो फिर क्या लिखेंगे, गुणा, देखो दोनों के साथ 3x हो गया ना, 3x को इसके भी साथ लिख दिया 3x को, और गुणा करेंगे उसी के जैसे, तो बोलो 6 माइनस 9। अब देखना है कि ये दोनों क्या एक जाके हैं, नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर है यहाँ एक्स, ठीक है, तो इतना ही पर छोड़ देंगे, अगर एक जात के रहते तो जोड़ते या घटाते, लेकिन यहाँ पर इसका जात अलग है, इसका जात, ठीक है, ये एक अलग पद है, ये एक समान पद नहीं है, असमान है, अगर समान पद होते तो घटाने लग रहता तो हम क्या कर देते, घटा देते, तो इस तरह से गुणा ये तुम्हारा हो गया, ठीक है, दिखाई दे रहा है, इसमें बताओ ये पूरा कवर हो रहा है, देखो यहाँ तक, केवल इतना दूर में कवर हो रहा है ना, चलो इतना भी उतारो, तो जल्दी से नोट करो ना,
इधर वाला हो गया। आशा है जितना भी बताएं उतना समझ में आ गया होगा। सब छोड़ दें कि अभी हो गया। यानी इसमें पावर को जोड़ दिया जाता है। जब बेस बराबर हो, नीचे का जो आधार हो बराबर हो, अलग अलग हो तब तो जेम करते हैं, उतार देते हैं। लेकिन अगर पावर करें, राशि अगर एक ही हो चर राशि तो उसका पावर क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। यहाँ भी दिखाई दे रहा होगा आशा है, जिससे बनाया जाए। जैसे मान लो दे दे -2xy, यहाँ दे दे -3xy और -5, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखा जाए कि कोष्ठ और इसके बीच में कोई भी चिन्ह है तो गुणा मान के चला जाएगा, यानी कि यहाँ गुणा है तो -2xy से इसमें भी गुणा होगा और -2xy से -5 में भी गुणा होगा। इसको पहले लिखेंगे -2xy उतार देंगे या गुणा लिखेंगे क्या माइनस, ठीक है। और देखो माइनस यहाँ पर है तो फिर क्या लिखेंगे -2xy गुणे 5, माइनस वाला चिन्ह यहाँ पर लिख दिया है ना। और देखो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो अभी समझाए हैं कि इनका गुणा जब होगा, अभी इसको भूल जाओ, उतना पर ध्यान दो कि इसका गुणा कैसे होगा। माइनस में माइनस से गुणा होगा, दो में तीन से गुणा होगा, एक्स का पावर एक है, एक्स का पावर एक है, वाई का पावर एक है, वाई करना होगा तो वाई के पावर हो गया, उसका गुणा खत्म। चलो इधर आते हैं, माइनस और माइनस में गुणा हो जाएगा और दो में पांच से गुणा होगा, एक्स वाई है, यहाँ कुछ नहीं है तो एक्स, यही तुम्हारा आंसर, यही तुम्हारा आंसर, कुछ नहीं करना, बहुत आसान, ठीक है। जैसे मान लो दे दे 2a (a-b)² + c, इसमें गुणा करने के लिए, हाँ इस कोष्ठ के अंदर कितना हूं पद दे सकता है, तीन पद दे सकता है, दो पद दे सकता है, चार पद में दे सकता है। इसका मतलब यह हो कि 2 जैसे इसमें भी गुणा होगा, 2 जैसे इसमें भी गुणा होगा, 2 जैसे इसमें भी गुणा होगा। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे 2a गुणा दे करके माइनस है तो फिर क्या लिखेंगे 2a गुणा देखे प्लस, फिर 2a गुणा देखे, गुणा करो, दो है यहाँ, यहाँ अंक एक है तो दो में एक से गुणा होगा और a का पावर एक है, a का पावर एक है, गुणा होगा तो एक का पावर दो होगा, हो गया। यहाँ माइनस है तो माइनस, यहाँ दो है, यहाँ एक है तो गुणा होगा दो, अब ये है b² है तो ज्यों का प्लस, दो है यहाँ अंक एक है, ए में सी से गुणा होगा, क्या कोई दिक्कत है? हाँ इसमें जात भी देख लो एक बार, ए सी का कोई और जात है, ए स्क्वायर वाला कहीं और है नहीं, तो ज्यों का त्यों हो गया। अगर जात रहता एक जैसा तो उसको हम जोड़ते या ठीक है, आशा है ऐसा भी गुणा बन जाएगा। अब आप लोगों को ऐसा दे दे कि 3x-2y, ठीक है, गुणा ऐसे दे दे कोष्ट में कि 3x+5y, अब इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है।
ठीक है, तो अब इसका गुणा कैसे होगा, तो ध्यान दीजिए इन दोनों से इन दोनों में गुणा होगा, इन दोनों से इन दोनों में गुणा होगा। तो देखिए कैसे बनाया जाएगा, सबसे आसान तरीका, सबसे आसान यहां क्या है तो 3x यहां पर उतार दो, ठीक है, और इसके बाद ये कोष्ट वाला पूरा यहां लिख दो कोष्ट सही पे, तो क्या लिखेंगे अब यहां पर क्या है माइनस, अब क्या है 2y लिख दो और फिर इसको उतार दो 3x प्लस, यानी ये वाला केवल अस्थिर रहेगा, इसको हमको क्या करना है एक लिखना है फिर इसको लिख देना है, फिर इसको लिखेंगे फिर इसको उतार देंगे, अब गुणा करेंगे जैसे वो बताए और उसी नियम पर तो आ गया। देखो 3x इसमें भी गुणा होगा तो लिखेंगे 3x गुणे प्लस, 3x इसमें भी गुणा होगा तो लिखेंगे 3x गुणे, ठीक है, चलो माइनस है माइनस 2y में इसे गुणा होगा तो लिखेंगे 2y गुणे, ठीक है। अब देखो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो गुणा होगा माइनस में प्लस से, अब क्या लिखेंगे 2y गुणे, गुणा तो करना है बस करो, इसका गुणा करो इसका गुणा करो इसका गुणा करो इसका गुणा करो, बोलो 3 में 3 से गुणा होगा हो गया प्लस, 3 में 5 से गुणा होगा हो गया माइनस, वाई एक्स को अगर हम एक्स वाई भी गुणा में लिख दे तो कोई अंतर नहीं है, एक्स वाई को हो चाहे कोई अंतर नहीं, गुणा में हो सकता है, ये बोलो माइनस, देखो वाई स्क्वायर वाला कोई और जाता है, एक्स स्क्वायर वाला कोई और जाता है, तो इसको उतार दो 9x, लेकिन इन दोनों को थोड़ा सा ध्यान दो तो क्या एक जात के लग रहे हैं, यहाँ भी एक्स वाई है यहाँ भी, तो बताओ तुम लोगों को हम क्या सिखाए हैं कि एक प्लस में अंक हो एक माइनस में हो, एक जात का हो एक जात का अंक हो लेकिन चिन्ह उल्टा हो, एक जात का अंक हो चिन्ह उल्टा हो, एक जात का अंक हो एक जात का अंक चिन्ह उल्टा हो, तो क्रिया किस चीज का करते हैं घटाओ का, एक जात का अंक हुआ उल्टा चिन्ह हो तो क्रिया किस चीज का करते हैं घटाओ का क्रिया नहीं करते हैं, ये भी 15xy है 6xy एक जात का नहीं है लेकिन चिन्ह दोनों का क्या है, देखो ये प्लस में है ये तो पढ़ाए हैं कि जब एक जात का अंक हुआ चिन्ह अलग अलग हो तो क्रिया घटाओ का करते हैं, क्रिया घटाओ का यानी काम घटाएंगे, तो 15 में से 6 घटेगा xy, अब जो अंक बड़ा होगा उसी का चिन्ह यहाँ पर लिखा जाएगा, 15 बड़ा है या प्लस में है, यहाँ माइनस हो गया, आंसर हो गया पूरा, ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर, ठीक है उतार लो।
इधर का मिटा दें। रिकॉर्डेड क्लास। अच्छा मिटा दें इसको भी, थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। हो गया, और देख लेते हैं कितना नंबर। 17 हो गया था कि 16? 17 था। अब 18 में चलते हैं। मान लो ए प्लस बी और गुणा ए माइनस, ठीक है, गुणा करना है ए प्लस बी से और ए माइनस। तो देखो अभी क्या सिखाए हैं, अभी हम यही सिखाए हैं कि इस ए से गुणा इन दोनों में होगा और इस बी से गुणा इन दोनों में होगा। यानी कहने का कि इस दोनों पद से इस दोनों पद में क्या होगा, गुणा होगा। तो पहले हम उसको अलग अलग लिख लेंगे। यहाँ शुरू में है तो शुरू में यहाँ क्या उतार दो, अब इसको यहाँ उतारो ना, ये इसमें का आप पूरा इसको उतार देंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस बी। यहाँ पर देखो प्लस बी है तो यहाँ पर प्लस बी उतार देंगे। अब इसको फिर लिखेंगे ए माइनस बी, हो गया। अब तुम गुणा कर सकते हो आसानी से ना, देखो कैसे गुणा है। ए में ए से गुणा होगा तो लिखेंगे ए गुणे, ठीक है। यहाँ प्लस का चिन्ह है, यहाँ देखो पहले चिन्ह को भी गुणा का ये किया जाएगा, प्लस में माइनस से गुणा होगा। अब लिखेंगे ए अगुणा, ठीक। देखो यहाँ प्लस का चिन्ह है, यहाँ कहाँ माइनस है, कहाँ माइनस दिखाई दे रहा है, तुम लोग कहाँ यह माइनस दिखाई दे रहा है। अब यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस में प्लस से गुणा होगा और लिखेंगे बी गुणा। अब देखो प्लस है, यहाँ माइनस है, हाँ प्लस में माइनस से गुणा होगा, क्या लिखेंगे। अब गुणा कर दो, कितना आसान है, बोलो इसका गुणा क्या होगा, होगा क्योंकि पावर एक है, पावर एक है, गुणा में पावर जोड़ते हैं, गुणा में पावर जोड़ते हैं ना कि गुणा करते हैं, पावर जोड़ते हैं। और माइनस है तो माइनस ए में बी से गुणा होगा, चलो प्लस है तो प्लस उतार दो, बी में ए से गुणा होगा, बी ए को क्या लिख सकते हैं, ए बी, क्यों, क्योंकि इधर हमारा ए बी है, इसको बी ए कहां लिखेंगे, इसको भी क्या लिख देंगे माइनस, बी में बी से गुणा होगा। अब ध्यान दो ए स्क्वायर उतार देते हैं क्योंकि इसका जात कहीं नहीं है। बताओ ये ए बी है, ये भी ए बी है, बताओ दोनों समान पद हैं, ये भी ए बी है, ये भी ए बी है, दोनों एक जात के हैं, लेकिन ये प्लस में है, ये इसका मतलब कि घटाएंगे, ए बी में से भी घटेगा कुछ नहीं, इसका मतलब इसको हम घटा दिए खत्म, क्या बचेगा केवल माइनस बी एस, माइनस बी एस। समझ में पूछा रहा है कैसे गुणा हो रहा है, समझ में आ रहा है ना जी, ये हो गया, ठीक है। जैसे मान लो दे दे 2m और माइनस 3n, ठीक है, ध्यान दो जी। इधर मान लो तुमको दे दे गुणा में 4m, ठीक है, हाँ प्लस प्लस, तो पहले लिखेंगे 2m, पहले 2m, ठीक है, पहले 2m, ठीक ना, इसके बाद इसको लिख देंगे, तो लिखेंगे 4m प्लस, हो गया 6। अब बताओ माइनस 3, तब इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 4m प्लस, ठीक है, अभी लिख रहे हैं, अभी गुणा हम नहीं कर रहे हैं, अब हम गुणा करेंगे, देखो इससे इसमें गुणा करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2m गुणे, ठीक है, देखो यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, गुणा होगा तो प्लस प्लस के गुणा प्लस, ये चिन्ह बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर लिखेंगे 2m गुणे, हो गया,
और देखो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, माइनस में प्लस से गुणा होगा तो लिखेंगे थ्री ए ना गुणे, और माइनस में प्लस से गुणा होगा माइनस, फिर लिखेंगे थ्री ए ना गुणा सिक्स ए। चलो गुणा तो करो, अब दो में चार से गुणा होगा, एम का पावर एम, एम का पावर ए गुणा होगा, हो गया ठीक ना। अब प्लस है तो प्लस उतार दो चीन, दो में छह से गुणा होगा बारह, एम एन से गुणा होगा एम एन, एम एन अलग अलग जाते हैं भाई, माइनस उतार जाएंगे तीन में चार से गुणा होगा बारह, एम एन से गुणा होगा हो गया माइनस, तीन में छह से गुणा होगा एन में एन से गुणा होगा, ये देखो एक जाते हैं एम एन यहाँ भी, एम एन यहाँ भी, जात का पहचान चार से किया जाता है न कि अंक से, यहाँ भी एम एन यहाँ भी एम एन, हाँ लेकिन अब ये प्लस में ये बारह में से बारह कटेगा जीरो, यानी कि कटा दो जीरो लिखो चाहे कटा दो, ये हो गया आठ एम माइनस, ठीक है सही है ना जी गुणा। माइनस अठारह, अब इसी तरह से जो बुक में दिया गया है क्वेश्चन उसको क्या करेंगे बनाएंगे ना घर से।